सफल रहा हिंदुस्तानी राखी का अभियान, भारतीय राखियों ने चीन को दिया 4,000 करोड़ का झटका। इस वर्ष के राखी त्योहार ने चीन को 4,000 करोड़ रुपए का झटका देकर इस मिथक को तोड़ दिया है कि भारत में चीनी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं हो सकता। साथ ही चीनी वस्तुओं के बहिष्कार अभियान को और अधिक तेजी से देश भर में चलाए जाने के मजबूत संकेत दे दिए। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट द्वारा बीती 10 जून से शुरू किए गए चीनी सामान के बहिष्कार के अंतर्गत कैट ने इस वर्ष राखी के पर्व को हिंदुस्तानी राखी के रूप में मनाने का आह्वान किया था, जो पूर्ण रूप से सफल रहा। आपको बता दें कि इस बार भी राखी या राखी बनाने जाने का सामान चीन से इम्पोर्ट नहीं हुआ। विदेशी मुद्रा भंडार 522 अरब डॉलर के पार। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार 5वें सप्ताह बढ़ता हुआ 24 जुलाई को समाप्त सप्ताह में पहली बार 522 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा का देश का भंडार 4.99 अरब डॉलर बढ़कर 522.63 अरब डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति और स्वर्ण भंडार से बड़ी वृद्धि के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले 17 जुलाई को समाप्त सप्ताह में ये 1.28 अरब डॉलर बढ़कर 517.64 अरब डॉलर पर रहा था। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 24 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान 3.60 अरब डॉलर बढ़कर 480.48 अरब डॉलर हो गई। जुलाई में जीएसटी कलेक्शन घटा 87,422 करोड़ रुपए पर पहुंचा। जुलाई में जीएसटी के कलेक्शन में कमी आई है, ये घटकर 87,422 करोड़ रुपए रह गया है। जून में जीएसटी कलेक्शन 90,917 करोड़ रुपए रहा था। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। जुलाई का संग्रह वैसे मई के 62,009 करोड़ रुपए और अप्रैल के 32,294 करोड़ रुपए से अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले महीने के दौरान बड़ी संख्या में करदाताओं ने फरवरी, मार्च और अप्रैल से जुड़े टैक्स का भी भुगतान किया। गडकरी ने दी अरबपति उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की योजना को मंजूरी। 2 अगस्त एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने अगरबत्ती उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग यानी केवीआईसी के रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एमएसएमई मंत्रालय ने कहा है कि कार्यक्रम का नाम खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन है। इसका मकसद देश के विभिन्न भागों में बेरोजगार और प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार सृजित करके घरेलू स्तर पर अगरबत्ती उत्पादन को बढ़ाना है। देश में फिलहाल अगरबत्ती की खपत करीब 1,490 टन की है, जबकि स्थानीय उत्पादन केवल 760 टन है। मंत्रालय ने कहा कि मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर है, इसलिए रोजगार सृजन के लिए इस क्षेत्र में काफी गुंजाइश है। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।